नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में। और कितनी निर्भया, 7 साल पहले जब दिल्ली में निर्भया के साथ घृणित सामूहिक बलात्कार हुआ था, तब पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। देश भर के युवा सड़कों पर उतर आए थे। सरकार, समाज के एक बड़े तबके और सभी राजनीतिक दलों ने यह संकल्प लिया था कि अब कोई और निर्भया नहीं होगी। उस आंदोलन और उन संकल्पों से एक बारगी लगने लगा था कि अब सूरत बदलेगी ही, देश में महिलाएं पहले से सुरक्षित होंगी। यह उस समय का आवेग था जो सरकार पर कुछ करने का दबाव भी बना रहा था और हमें कई तरह के आश्वासन भी दे रहा था। पिछले 4 दिनों के भीतर रांची और हैदराबाद में हुए 2 अघन्य सामूहिक बलात्कार कांड बता रहे हैं कि देश में लड़कियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। ये घटनाएं किसी दूर दराज के इलाके की नहीं है, ये दोनों बड़े प्रदेशों की राजधानी की है। रांची में एक छात्रा का अपहरण करके उसे ले जाया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जबकि हैदराबाद में पशु चिकित्सक की स्कूटी का टायर पंचर हो जाने के बाद उसे घर तक पहुंचाने के लिए मदद लेनी पड़ी और मदद मिलने के बजाय वह ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गई जिन्होंने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसकी निर्मम हत्या भी कर दी। दोनों ही घटनाएं सीधे तौर पर बताती हैं कि निर्भया कांड के बाद जो भी कदम उठाए गए वे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नाकाफी साबित हुए। निर्भया कांड के बाद जो बदलाव हुए उसमें मुख्य था बलात्कार से जुड़े कानून में बदलाव। बदलाव सुझाने के लिए जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। समिति ने इसके लिए न सिर्फ भारतीय दंड संहिता में बदलाव के सिफारिश की बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव के कई सुझाव दिए। उस समय जो आंदोलन चल रहा था उसकी एक प्रमुख मांग थी कि बलात्कार के दोषियों को मृत्यु दंड दिया जाए। हालांकि इसे लेकर कई मतभेद थे लेकिन अंत में इसकी सिफारिश भी की गई। अगले 3 महीनों के अंदर ही कानून में इस बदलाव का अधिनियम भी जारी हो गया। कानून में इस बदलाव के पीछे कड़े दंड का सिद्धांत था। सोच यही थी कि अगर बलात्कारियों के बच निकलने के रास्ते बंद करने के साथ ही उनको दिया जाने वाला दंड बाकी समाज के लिए कठोर सबक का काम करेगा और यह अपराधी मानसिकता के लोगों को ऐसे अपराध करने से रोकेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी वारदात नहीं रुक रही तो यह सोचना जरूरी है कि इस दिशा में और क्या किया जाए। समाज शास्त्र मानता है कि अपराधी के वश निकलने के रास्ते बंद करना और कड़े दंड जरूरी है, पर यह अपराध के ख़त्म होने की गारंटी नहीं हो सकते। इसके साथ सबसे जरूरी है कि उन स्थितियों को ख़त्म करना जो ऐसे अपराधों का कारण बनती है। बलात्कार जैसे अपराध कुंठित मानसिकता के लोग करते हैं, लेकिन ऐसी कुंठाएं कई बार महिलाओं के प्रति हमारी सामाजिक सोच से उपजती हैं। महिलाओं को सिर्फ कानून में ही नहीं सामाजिक धारणा के स्तर पर बराबरी का दर्जा देकर उनकी सार्वजनिक सक्रियता बढ़ाकर ही मानसिकता को ख़त्म किया जा सकता है। इससे हम ऐसा समाज भी तैयार करेंगे जो कुंठित मानसिकता वालों का बहिष्कृत कर सकेगा।